बताइए, आप दोनों में से रोमांटिक कौन है? पत्नी। दोनों में से कामचोर कौन है? पति। कामचोर हैं आप? हाँ। मैं बहुत स्लो अपनी स्पीड से काम करता हूँ। हाँ। और उनको चाहिए कि अभी के अभी करो। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने बोला हो और नहीं हुआ हो, बस खाली मेरे टाइम पे नहीं होता। तो काम चोर एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर काम धीरे धीरे करने वाला है। स्लो स्लो है काम, स्लो है। आप बताइए। पति यहाँ पे भी कैसे? सेम वैसे ही है, अगर मैं कुछ बोलूँ तो हाँ अभी सोना है, फिर उसको खींचेंगे, करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे, मतलब ऐसे टाल देते हैं। या कुछ अभी मैं अगर बर्तन घस रही हूँ, उनको बोला ना कि अभी चलो ये रख दो, तो अभी खाना खाए, अभी क्या करने की जरूरत है, बाद में करेंगे ना। अच्छा, आप दोनों में से खाता कौन ज्यादा है? कहाँ जाता है, दिखता तो नहीं है। इनसे ज्यादा खाता हूँ ना। हम दोनों में से ज्यादा ये खाते हैं। तो आप फिर भी इतने फिट कैसे हैं? प्लीज टिप्स देंगे? फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए। अच्छा, ऐसी चीजें आप ज्यादा खाते हैं? हाँ। चला हुआ हो जाए एक? नहीं, पावर तो आपका ज्यादा दिख रहा है। चलिए आप लोग बताइए। पति खाने के शौकीन है, कैसे क्या क्या ज्यादा खाते हैं? वही जो बनाते हैं बेबी, जो भी बनाते हैं वही बस खा लेता हूँ, नहीं बोलता ही नहीं हूँ, जो भी आएगा थाली में खा लेता हूँ। मीठे का इसका बहुत शौक है खाने का। आप लोगों में से बेसुरा कौन है? आपको लगता है भाभी, इसका मतलब आप सुरीली हैं? आप सुरीली हैं तो हमें कैसे पता चले? गाइए कुछ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। वाव, देखिए हमें सुरों का इतना ज्ञान नहीं है, हम ऐसे तय तो नहीं कर पाते कि दोनों में से कौन अच्छा सिंगर है। इक्वल खराब है हम दोनों। हम डिप्लोमेटिक हो रहे थे भाभी जी, हमें पता चल रहा था। हम इक्वल खराब है, पर ये बोलते हैं मैं इनसे बेटर हूँ तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन लेकिन हमें एक बात जरूर पता चली कि आप दोनों में बेइंतहा प्यार है। वो बिल्कुल है जी। आप दोनों बताइए कौन बेसुरा है? बेसुरेपन का सबूत दीजिए। जब हम जहां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां पर याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। मान गए भाई, मान गए, मान गए, मान गए। मैं झूठी नहीं बोल रहा। अच्छा, तो आपने एकदम तुरंत दिखाया था कि ये बेसुरे हैं, इसका मतलब आप सुरीली हैं, इनसे तो सुरीली है। ये साबित कैसे करिए? हाँ, करके दिखाइए। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। वाह, अच्छा हुआ हम तीनों ने नहीं गाया, हम तीनों बेसुरे हैं। हालांकि हम जॉइंट कस्टडियन हैं, पर वो अभी मुझे मिलने भी नहीं देते, बात भी नहीं करने देते, काफी प्रॉब्लम चल रही है। पर जब भी वो आया हमारे पास, तो वो इनके पास सोएगा, इनके पास कि मुझे पापा आप सुलाएंगे, आप स्टोरी करेंगे, वो दोनों की टीम रहेगी। तो इतना ज़्यादा प्यार, एक्सेप्टेंस प्रियांशु के लिए, मेरे बेटे के लिए। मेरा जब कस्टडी केस चला तो बहुत गंदगी मची, जैसे मेरे एक्स हस्बैंड रात को 2 बजे पुलिस लेके हमारे घर पे आए कि इसने किडनैप कर लिया है बेटे को, और बहुत सारी गंदगी फैलाई, बहुत समाज में भी बहुत सारा खराब बोला, मेरी सोसाइटी में भी बोला। पर और आज भी मेरे राइट्स है, कस्टडी डिग्री में लिखे हुए हैं कि मैं बात कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ, फिर भी वो बिंदास खुलेआम ईमेल पे लिख के बता रहे हैं कि मैं, मेरे पास फोन नहीं है। मिस्टर शर्मा जी, आइए हम कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं। चल जी। जन्म जन्म
हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ बात ऐसी निकली तो, पर मैं इंसान भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। तो शर्माइन जी, अगर दिमाग स्वस्थ हो और इंसान के अंदर साहस हो, हर चीज आसान हो जाती है। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। हमने अक्सर सुना है कि पुनर्विवाह वाली शादियां वर्क नहीं करती हैं, उनमें बच्चे होते हैं, पर ये देखिए दो कमाल के फादर्स हैं हमारे साथ। इन्होंने अपने पत्नियों के पिछली शादी के बच्चों को इतने तरीके से अपनाया। मिसाल हैं आप, मिसाल हैं। कुल मिलाकर शर्माइन, मुद्दा यह है कि जिंदगी एक खेल है और उसे एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही खेलना चाहिए। अगले बर्तन पे लाइए। हाँ, 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 ये फली है कुछ करेला करेला या कड़वा करेला। अभी हाँ, आइए राइट में, आइए राइट में, आइए। हाँ वो नींबू का शरबत बनाने की कोई मतलब नाम नहीं पता है, पर है, उसका कोई मिक्स लग रहा है जो बनाने का। टाटरी टाटरी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। चलिए अगले पे आइए। अगले हाँ, ये तो वो चारकोल लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। कैसा खाया भाई साहब, अच्छा लगा? हाँ राइट, हाँ हाँ बना लिया था। हाँ हाँ, उनको भी लेने दीजिए। ये कोई साबुन है। खाना पड़ेगा नहीं, आपकी मर्जी है। ये कोई क्रीम है, कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर या? ये क्रीम तो है लेकिन आप फाइनल जवाब दे दीजिए तो हम आपको। शैम्पू 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 लग रहा है। शैम्पू लग रहा है। ये कागज चिपकाने वाली कौन सी क्रीम होती है? छह में से चार सही जवाब। दो तीन चार जी। वेरी गुड वेरी गुड, नॉट बैड एट ऑल। आइए भाई साहब, क्या बात है, गार्डन कैसा लगा हमारा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। आइए आइए। शर्माइन चलिए ओके। हाँ ये देखिए आप रहा, इसमें पहचाने क्या है? पाउडर है। कौन सी? अब सूंघिए चखिए। सूंघिए। खट्टी स्मेल आ रही कुछ, वो फेस पैक, फेस पाउडर। फेस पाउडर। वेरी गुड वेरी गुड। मूव ऑन। हाँ आ सकते हैं। हाँ अच्छे से खाइए। कड़वा है, करेला करेला। वेरी गुड। अब आप, हाँ, आप ले लीजिए ये साइट्रिक एसिड। वेरी गुड। मैंने मेरा पहला कपड़ा जॉब पे लगने के बाद सिला है, तब तक मैं दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनता। जो फैमिली इनकम था हमारा उस वक्त वो 500 रुपये था। अब इसमें खाएंगे क्या, बच्चे पढ़ाई, बट मेरी माँ ने इंश्योर किया कि तीनों बच्चों के पढ़ाई पे कहीं पे भी कमी नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक ये टाइम बहुत कम। वैसे ही सवाल पूछे ना। हाँ भाभी बताइए। हाँ भूल गई। मार 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 मार।